आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना वेट ओपन योर चेस्ट एंड इसको ट्वीज करना है, होल्ड करना है अपने आप को यहाँ पर 1 2 3 वर्कआउट नहीं कर पाया था, मुझे बताया कि मैं कैसे फिर मिला था। या हाय, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज करेंगे अपना चेस्ट का वर्कआउट। चेस्ट के वर्कआउट में आप लोगों के लिए कुछ 3 से 4 एक्सरसाइजेस मैं लेकर आया हूँ जो आप अपने होम वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। किसी मेरे भाई के चेस्ट नहीं ग्रो हो रही है या ब्रॉडनेस नहीं आ रही है या अपर शेप अच्छी नहीं आ रही, तो ये वाली एक्सरसाइजेस ऐड करना। उसको कैसे हम इफ़ेक्टिव करें अपनी लोअर चेस्ट को और कैसे अपना लोअर चेस्ट का फैट कम करें, तो ये एक्सरसाइजेस जो मैं बताऊंगा आप लोग करना, घर से अपना ये रूटीन ऐड कर सकते हो। इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स आएंगे आप लोगों को कि हाँ, आप बोलोगे कि भाई कोई एक्सरसाइजेस बताई थी, आपको कहीं जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी किसी भी ट्रेनर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैं ये एक्सरसाइजेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलो, अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो डंबल पे करेंगे। अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए रहेगी, जो मेरे भाई घर से एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, ऐड ऑन करना अपने रूटीन में। इस तरीके से करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और हमें इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए एक डिक्लाइन बेंच चाहिए। अगर आपके पास बेंच नहीं है और घर से करते हैं तो आप फ्लैट सरफेस पे भी कर सकते हैं। तो चलो, किस तरीके से रहेगी ये वाली एक्सरसाइज, किस तरीके से मूवमेंट रहेगी, रेंज ऑफ मोशन रहेगा, किस तरीके से इन एंड आउट रहेगा, ब्रीद इन रहेगा, ब्रीद इन आउट रहेगा, वो सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को करके दिखाएंगे। चलो, मैं 7.5 का डंबल लिया है, बोथ साइड इस तरीके से रहेगा, डाउन जाए बिल्कुल। एक चीज़ इस पर ध्यान रखना गाइस, अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो परफॉर्म मत करना, क्योंकि इस पर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। ज़्यादातर बिगनर्स जो होते हैं उनको शोल्डर्स पे आता है ज़्यादातर, ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जब मैं पहले कभी करता था। तो मैं ये लोअर चेस्ट को ट्रेन करने जाता था, बट मेरे शोल्डर्स पे ज़्यादा इफेक्ट आता था, तो मैं ये करना ही छोड़ दिया। बट अभी धीरे धीरे मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ है, तो किस तरीके से करनी है ये वाली एक्सरसाइज वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो चलो, आप अपना जो बैलेंस रहेगा, एक तो पैरों को यहाँ पर लॉक कर लें, यहाँ पर लॉक करना है ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा रोल ना हो लेफ्ट एंड राइट। इस तरीके से चेस्ट अप रखनी है, यहाँ पे हाथों को एकदम इस तरीके से ग्रिपिंग रखना, आगे की तरफ रखना, आगे की तरफ, ताकि आपकी जो रेंज ऑफ मोशन आएगी वो ज़्यादा एरिया मिले उसमें। चलो, 1 2 3 एंड 4 पूरा स्ट्रेच करना है, पूरा स्ट्रेच करना है चेस्ट को, और यहाँ पे स्क्वीज 1 सेकंड के लिए स्क्वीज करना है, होल्ड करना है अपने आप को यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4 ये अप, 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 अभी इसी पे एक वेरिएशन और बताता हूँ, कंटिन्यू करना है। इसके आपको 3 सेट लेने हैं और कंटिन्यू इसी के साथ एक न्यू एक्सरसाइज है कंबाइन करनी है, सेम ये वाले 12 रेपिटेशंस लेके फ्लाई के, उसके बाद में आपको ये लेना है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से यहां पे स्क्वीज करना है। चलो, बहुत ही सिंपल एंड रॉ एक्सरसाइज है, करोगे तो एक नंबर के इफेक्ट आएंगे आपको चेस्ट पे। चलो, अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज है उस पर चलते हैं गाइस। अपनी जो दूसरी एक्सरसाइज रहेगी, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया फर्स्ट में ही, कि आज करेंगे अपना लोअर चेस्ट ज़्यादा ट्रेन। किसी मेरे भाई का लोअर चेस्ट ट्रेन नहीं है या लूज है, उनको ये वाली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और अपने लोअर चेस्ट को ट्रेन करना चाहिए। तो चलो, ये दूसरी एक्सरसाइज है, 17.5 का डंबल लिया है मैंने, डिक्लाइन बेंच पे ही करेंगे अच्छे इफेक्ट्स के साथ। चलो, करके दिखाऊंगा। 3 सेट लेने हैं इसके भी, पर सेट पे कम से कम 12 रेपिटेशंस लेने हैं। अगर आप ऊपर कर सकते हो उससे ज़्यादा अपने रेपिटेशंस ले सकते हो तो आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। चलो, करके दिखाऊंगा, सेम वेरिएशन में करेंगे, सिर्फ आपकी जो हाथों की पोजीशन रहेगी वो स्ट्रेट रहेगी। चलो, लॉक कर लेंगे अपने पैरों को सेम पोजीशन में,
जिस तरीके से हमने फ्लाई में किया था, और इनर चेस्ट वाली पे यहाँ पे लॉक कर लें ताकि आपकी बॉडी लेफ्ट एंड राइट रोल ना हो ज़्यादा और आप और ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स के लिए अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। चलो यहाँ पे हाथों को यहाँ पे लॉक कर ले आगे की तरफ, बिल्कुल यहाँ पे चेस्ट के पास लॉक करना, यहाँ पे चेस्ट के पास रखना। बिल्कुल कुछ लोग क्या यहाँ पे कर लेते हैं या फिर यहाँ पे ज़्यादा आगे कर लें, नहीं, बिल्कुल मिडल चेस्ट पे रखना है ताकि आपके शोल्डर्स पे कम इफेक्ट आए और चेस्ट पे ज़्यादा इफेक्ट आए। चलो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 ये इस तरीके से पूरा स्क्वीज करना है ऊपर लाते वक्त। 1, 2, 3 एंड 4 पूरा चेस्ट को स्ट्रेच एंड स्क्वीज। इन एंड आउट ब्रीद ज़रूर करना है ये। 1, 2, 3 एंड 4 अप। आपने देखा होगा इसके बॉडी बिल्कुल भी रोल नहीं हुई, क्यों? मेरी स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, मैं चाहता तो इस पर 20 का 25 का 30 का भी कर देता, बट जब आप जैसे जैसे अपना वेट इंक्रीज करते जाते हो वहाँ पर आपको इशू आता है अपने बैलेंस को स्टेबल करने में। तो इसीलिए हमेशा बोलता हूँ अपना बैलेंस अच्छे से बनाना सीख लें ताकि आपको इंजरी ना हो और आप फिर आगे चलते चलते अपना हैवी वेट भी कर सकते हो, और जितना हैवी वेट करोगे मसल ग्रोथ अच्छी होती है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें नोटिस ज़रूर किया करो ताकि आपको आगे अच्छे से परफॉर्म करने में मज़ा भी आए वर्कआउट। चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। तो गाइज अपना, मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि अपना वेट हमेशा रीरैक्स ज़रूर करें, अदरवाइज जैसे भैया कर रहे हैं यहाँ पे साइड में, उनको चोट लग सकती है, क्योंकि मेरे को खुद लगी है। मैं 2 महीने वर्कआउट नहीं कर पाया था, मुझे पता है कि मैं कैसे तिल मिलाता था, बट ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखो। ये नहीं कि वेट किया, उठाया, लिफ्ट करा और फेंक दिया, इसी को ही रोज़ करना है यार। चलो अपना जो फर्स्ट सेट रहेगा बेंच प्रेस पे, फ्लैट बेंच करेंगे, जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज रहेगी वो करेंगे गाइस 25 से करेंगे, 25 के बाद 30 से करेंगे, 30 के बाद 35 से करेंगे। ये इसलिए क्योंकि आज मैं अपनी स्ट्रेंथ पे भी थोड़ा सा काम करेंगे। आप भी कर सकते हो वीक में 2 बार ये वाला रूटीन, जितना हो सके डिफरेंट डिफरेंट रूटीन्स लेकर आओ, रोज़ नहीं तो अल्टरनेट डेज पर। कहते हैं ना कि गाइस रोज़ अगर एक ही एक्सरसाइज करोगे, चेस्ट करोगे, तो चेस्ट डेवलप ही नहीं होगी, आप लोगों को इफेक्ट्स भी नहीं आएंगे। इसीलिए बॉडी पार्ट्स भी डिफरेंट होते हैं, और जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो पर डे पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक दिन पे 2-2 बॉडी पार्ट करता हूँ ताकि मेरी मसल्स अच्छे से ग्रोथ और शेप आए। आप भी कर सकते हो अगर आप थोड़े प्रो हो। चलो 25 से लेंगे, फर्स्ट सेट रहेगा अपना डंबल प्रेस लेंगे फ्लैट बेंच पे, रेपिटेशन इसके कम से कम 7 से 8 निकालेंगे, कम से कम 8 निकालेंगे ताकि आपको पता लगे स्ट्रेंथ का। अब इस पे कोई यहाँ पे मेरे को अपने पैर लॉक करने के लिए कोई वहाँ पर लॉकिंग सिस्टम नहीं है, जो करना है पैरों को यहाँ पर ही रख के करना है। अब मेन जो इशू आएगा, जो टारगेट रहेगा हमारा, वो यही रहेगा कि बॉडी को फील ना करने दें, हिलना डुलना लेफ्ट राइट ना जाए, और अच्छे से ग्रिप लेके, अच्छे से पैरों से पावर जनरेट करके अपना जो हैवी वेट है उसको लिफ्ट करें और कनेक्ट कर पाएँ कि हमारी जो चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ हमारी चेस्ट पे इफेक्ट आए। तो चलो करके दिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे। पैरों को ग्रिपिंग देनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। चलो धीरे धीरे करना, हमेशा अपने लैप पे रख लेना अपना वेट ताकि आपको हेल्प मिले लिफ्ट करने में। इस तरीके से करना, चलो धीरे धीरे यहां पे 1, 2, 3 एंड 4 अप, 1, 2, 3 एंड 4 अप, 1, 2, 3 एंड 4 चलो गाइस जैसे करी है ये वाली एक्सरसाइज देख लेना, अदरवाइज इंजरी हो सकती है, मत करना। अगर हैवी नहीं हो रहा है तो लाइट वेट ले लेना, क्योंकि
इंजरी हो जाएगी तो आप लोग फिर दूसरे दिन नहीं आ पाओगे, और एक बार की जिम वाली इंजरी जो होती है ना वो फिर लाइफ टाइम पेन देती है, तो मत करना। मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडियाज़ हैं कि कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐड ऑन करना, हैवी करना है तो हैवी भी कर सकते हो, बट सेफ्टी के साथ, सेफली करना। चलते अपनी चौथी एक्सरसाइज पे, चेस्ट के। तो गाइज अपनी जो चौथी एक्सरसाइज रहेगी अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए रहेगी, अपर और इनर चेस्ट, यानी कि अपर और इनर ये दोनों चेस्ट को कवर करेंगे। किस तरीके से आप ये कर सकते हो, चलो एक चीज़ और है इस पर कि आपको इंक्लाइन पोजीशन पे करके दिखाऊंगा मैं, ताकि अपर चेस्ट पे अच्छे से ज़्यादा इफेक्ट्स आए। 20 कर मैंने वेट लिया है, तीन सेट लेने हैं इसके। 20 के वेट पे मैंने करना स्टार्ट किया है, आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना वेट रखें। चलो ग्रिपिंग के लिए लॉकिंग सिस्टम कुछ है नहीं, तो ग्रिपिंग खुद बनानी पड़ेगी और स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी खुद से। चलो इस तरीके से ये लॉक कर लें हाथों के साथ अपना वेट, चेस्ट अप, पैरों से अपनी ग्रिपिंग थोड़ा सा नीचे डाउन जाएं और धीरे धीरे ये यहाँ तक पूरा चेस्ट ओपन करना है गाइस। ये ओपन योर चेस्ट एंड स्क्वीज, 1 2 3 एंड 4 एंड स्क्वीज, 1 2 3 एंड 4 डाउन, बिल्कुल टच करना है चेस्ट पे और यहाँ पे स्क्वीज, 1 2 3 एंड डाउन। हाँ तो ये चार एक्सरसाइजेस थी गाइस आप लोगों के लिए, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए और आप रूटीन में ऐड करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ऐड करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे इफेक्ट्स आएंगे आपके चेस्ट वर्कआउट पे। चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और फिटनेस बनाएं। टेक केयर, बाय बाय।